पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी मृत्यु होती है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद देवी भागवत तीसरा स्कंद, जिसमें विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शिव, हम नाशवान हैं, हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव मीन मृत्यु होती रहती है। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी नहीं है, इनका भी आना और जाना कीड़ी के नाल की तरह बना हुआ है। पुण्यात्माओं, देखिएगा कि एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। इसको लंप सम हम 1000 चतुर्युग लेकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि। इस प्रकार 2000 चतुर्युग का दिन और रात हुआ, 30 दिन रात का महीना हो गया और 12 महीनों का एक वर्ष हुआ। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ओहो, त्रयोगी बताओ, 1008 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी 43,20,000 वर्ष इनका समय है, पीरियड है, एज है एक चतुर्युग की। ओहो, और फिर 1008 चतुर्युग का दिन, फिर इतनी रात हैं, और फिर 30 दिन का रात का महीना। अब गिनती है भूल जाए इंसान, इतने वर्ष हो जाएंगे। अब फिर क्या बताते हैं कि फिर देखो विष्णु जी की मृत्यु आयु कितनी है, 7 ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनसे 7 गुना, और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की, शंकर भगवान की, जो काल भगवान का तृतीय पुत्र है, तीसरे नंबर का जो तमोगुण है, तमोगुण पर जिसको कहते हैं सतयुग विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन काल के। तो क्या बताते हैं कि विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु और फिर भी मृत्यु। ओए होए, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तेरी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी ही होगी, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है कि इतनी लंबी आयु होकर भी क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमको कोई सतगुरु नहीं मिले। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पल पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु और इनके पिता काल ब्रह्म की मृत्यु, स्वयं कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन मेरे और जन्म अलौकिक हैं। वो अलौकिक कैसे हैं वो एक अलग कहानी है, लंबा विस्तृत ज्ञान वो अलग से बनता है, इसका बहुत गहन विषय है ये। वो क्या होता है कि 70,000 जब शिव मर जाते हैं, 70,000 शिव, ये काल का पुत्र जो सबसे लंबी आयु युक्त है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसमें केवल बाहरली बाउंड्री रह जाती है, इसमें और कुछ शेष नहीं रहता, ना पृथ्वी रहती, ना यहाँ चांद सितारे रहते। और फिर ये क्या करता है, ये काल भी जो अपना शरीर, इसको ये स्वयं अपना शरीर धारण करता है, इस शरीर को छोड़ देता है,
ये फिर इस सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके। तो वो जो एक काल की मृत्यु हुई, 70,000 शिव मर जाने के उपरांत जो काल की एक मृत्यु हुई, काल मर्या, तो वो एक युग है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये क्षर पुरुष है काल, अक्षर पुरुष का एक युग हुआ। अब विचार कीजिए, अब परब्रह्म की मृत्यु समझाते हैं आपको। अब एक युग हो गया, जब 70,000 शिव मर गए तो काल मर गया। काल की एक बार एक ब्रह्मांड का नाश होता है और काल की मृत्यु होती है, तो एक युग हुआ परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1,000 युग की परब्रह्म का दिन है, इतनी ही रात्रि है, और ऐसे ही फिर 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात्रि। नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना, इसमें चतुर्युग नहीं है, इसमें केवल युग है। जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 17 में लिखा है कि जो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1,000 युग का है, इतनी ही रात्रि होती है, और उसी रात्रि के समय ये सब ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और इनको फिर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। तो वो 1,000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 2,000 युग के, नोट चतुर्युग, 2,000 युग के दिन एक दिन रात हुआ, और 30 दिन रात का एक महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु अक्षर पुरुष की हुई। पुण्यात्माओं, आप बहुत विचारवान हो, आज बेटे और बेटियां एजुकेटेड हैं, माइंडेड हैं। ये जो एजुकेशन आपको मिल रही है, ये आपके काम आने की है, और जो अक्षर ज्ञान आपने ग्रहण किया वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अविस्तत्व ज्ञान के समझने में सहयोग देगा आपको, और ये आपको तत्व ज्ञान जो है ये समझना बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान समझ में नहीं आता। टीचर की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो सब सदग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके फिर विद्यार्थियों को बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाता है, जिससे वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बताया है कि गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। आठवें अध्याय गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का जो एक दिन है वो 1,000 चतुर्युग का है, 1,000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है। इन अनुवादकर्ताओं ने इसमें गड़बड़ी की है थोड़ी सी, ये देखिएगा गीता जी, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और 8वां अध्याय देखिएगा, इसमें ये 16वां श्लोक देखें। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनर्वर्ती में हैं, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका इन्होंने अर्थ गलत किया है, हिंदी देखिएगा, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्ति न है अर्जुन, माम उपेतु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ यह है कि जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक सभी नष्ट होते हैं, न विद्यते विद्य, विद धातु से बनता है, विद्य माने विद्या ज्ञान, जिनको ये पता नहीं है वो मुझे प्राप्त होकर भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी हम इसको देख रहे, ब्रह्म लोक तक जितने भी हैं ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर 17वें में क्या कहा है, सैंसर युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु, ब्रह्मणे माने बड़े भगवान का, यानी एक एक अक्षर का समय अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि सैंसर युग पर्यंतम, नोट चुग नहीं लिखा इसमें,
ओनली सेंसर युग, एक हजार युग चतुर्युग नहीं है, और इतनी रात्रिम युग सेंसर अंताम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने क्या किया है, ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं ये लिखना परब्रह्म का जो एक दिन है उसको एक हजार युग, नोट चतुर्युग, सेंसर युग पर्यंतम, केवल एक हजार युग लिखा है संस्कृत में, और रात्रि भी एक हजार युग अवधि वाला, और रात्रि को भी एक हजार युग, नोट चतुर्युग अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। जो इस ज्ञान को बता देगा कि उस परब्रह्म की कैसी एक हजार युग की रात्रि है, वो कैसे होती है, तो वो काल के को तत्व से जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये एक प्रमाण और मिल गया। अब देखो क्लियर हुई कहानी, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु महेश ये भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनके पूज्य पिताजी ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इसकी भी मृत्यु होती है। उसके बाद जो परब्रह्म है ये भी, इसका भी अंत होता है, इसकी भी मृत्यु होती है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा, ओह वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसका भी ज्ञान अपनी पवित्र गीता जी दे रही है। अब आपने आठवें अध्याय का सत्रहवां श्लोक सुना, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें ये कति क्लियर हो जाएगा इन तीनों परमात्माओं की सती थी। अब देखिए आठवें अध्याय का 18वां श्लोक गीताजी, गीताजी अध्याय नंबर 8, और यहां देखिएगा श्लोक 18, 17 आपने पढ़ लिया। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, ये ब्रह्मा नहीं ये वो परब्रह्म, प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते, अव्यक्तात्, अव्यक्तात् माने वो अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता, उत्पन्न होते हैं। और ये ब्रह्मा नहीं ये परब्रह्म अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। आगे देखिए अब क्या बताया है, वे और वही यह भूत समुदाय प्राणी उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है, अर्थात ऐसे जन्म मृत्यु का क्रम चलता है। अब 20 में देखो क्लियर कर दिया, परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से भी परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परमदेव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो तीसरा जो पूर्ण परमात्मा है उसके विषय में बताया है, एक अव्यक्त तो गीता ज्ञान दाता स्वयं के लिए कह रहा है सातवें अध्याय के 24वें श्लोक में कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त का अर्थ होता है जो वस्तु विद्यमान हो और हमें दिखाई ना दे, जैसे बादल सूर्य के सामने छा जाते हैं तो उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, अदृश्य होता है, लेकिन उसकी स्थिति बरकरार रहती है, वो साकार रूप में बादलों से परे चमक रहा होता है। ऐसे ही ये ब्रह्म भी अव्यक्त है, ये किसी के सामने नहीं आता, वो जो केतु स्वरूप में ब्रह्म लोक के ऊपरले हिस्से में एक ब्रह्मांड में ये गुप्त रहता है, ये भी अव्यक्त कहलाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आपने सुना कि ब्रह्म पर ये अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है जिसके अंदर ये सभी प्राणी जो ब्रह्म के क्षेत्र में हैं ये सभी उसमें लीन हो जाते हैं। एक हजार युग के बाद इनके
परब्रह्म के और ब्रह्म के दोनों ही के प्राणियों का अंत हो जाता है। और ऐसे उस अव्यक्त यानी परब्रह्म के दिन के एक समय तो ये सभी साजबाज सृष्टि बनी रहती है, जब उसकी रात होती है सब नष्ट होकर के उसमें इकट्ठे करके रख दिए जाते हैं। अब आठवें अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि उस अव्यक्त से भी परे जो अव्यक्त जो सनातन अव्यक्त भाव है अर्थात वो परम दिव पुरुष तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब पुण्यात्मा हमने यही समझना है। इसको समझने के बाद फिर हम जिस मार्ग पर चलेंगे फिर विचलित नहीं होंगे और तब हम भक्त बनेंगे। जैसे गीता जी में कहा कि अर्जुन जब तेरा नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से आप भ्रमित ना होकर के और एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाओगे तब तो तू योगी बनेगा, तब तो तू भक्त बनेगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जब तेरा मन नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर तो आश्रित हो जाएगा तब तू योगी होगा, तब तो भक्ति करने के योग्य बनेगा, तू भक्त बनेगा। अब आप भक्ति अवश्य कर रहे हो लेकिन यथार्थ ज्ञान ना होने से, साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से आप भक्त नहीं हो, भक्ति करते हुए भी भक्त नहीं हो। अब देखिएगा वही गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53 देखिएगा 53। इसमें क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल सतीर ठहर जाएगी तब योगी योग को प्राप्त हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित संयोग हो जाएगा। योगम यानी अभी इन्होंने ना अपने हिसाब से इसका अनुवाद किया है, योगम अवाप्यसी यानी भक्ति को प्राप्त होगा जब तेरी भक्ति में रुचि बनेगी तब तो भक्त बनेगा, योगी बनेगा। और कल आपने विष्णु पुराण में पढ़ा अध्याय 15 तृतीय अंश, उसमें क्या लिखा है कि जो श्राद्ध के विषय में ब्राह्मणों एक ब्राह्मण जमाते हैं अपने यहाँ श्राद्ध निकालना जब, और परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसे 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी, योगी अर्थात तत्व ज्ञान युक्त साधक को भोजन करा दिया जाए अर्थात उनके सामने प्रवेश कर दिया जाए तो उन 1000 ब्राह्मणों का भी कल्याण करे और तुम्हारे पितरों का भी कल्याण करे, तुम्हारे जो पूर्वज से उनका भी कल्याण करे अर्थात वो तत्व ज्ञान से परिचित करा करके आपको यथार्थ भक्ति पर लगाएगा। उसके बारे में अब क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म परब्रह्म अक्षर पुरुष सरपुरुष ये सभी नाशवान है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक दिया है। 16 में कहा कि इस संसार में 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं जिसको आप आम जानते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। इन दोनों के लोकों में प्राणी भी जितने प्राणी हैं और ये भगवान भी, ये नाशवान हैं। आत्मा अमर है, ये नहीं मरती, ये तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती, सूर की भी नहीं मरती। फिर बताया कि वास्तव में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम जिसको पुरुषोत्तम कहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ प्रभु जिसको हम कहें, वो तो इन दोनों से भी अन्य है, वो परमात्मा इति उदाहरते उसको भगवान कहते, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह स अवैश्वर है, वह अविनाशी परमात्मा है वास्तव में।